ड्राइविंग का है। देखिए ये लोग लगे हैं यहाँ पे। ये क्या है कि यहाँ पे जो जोजला टनल का काम चल रहा है, जो इसके नीचे से, तो उसी का यहाँ पे काम चल रहा है, उसी के एक पार्ट है। काफ़ी उधर से आने के, दोनों तरफ से आने के बाद यहाँ पे इन लोगों ने कुछ वेंटिलेशन टाइप का बना हुआ है, इधर से ज़मीन के अंदर नीचे को जहाँ से सुरंग निकल रहा है वहाँ के लिए कुछ इन्होंने बनाया है, कुछ अंदर को जाने के लिए। तो वो काम यहाँ पे हो रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा भी उसका। पहली बात तो खड्डे इतने ज़्यादा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ कैमरे पे। यस, यहाँ पे काम चल रहा है, ये यहाँ से बिल्कुल नीचे को है। लास्ट टाइम मैं आया था, ये लोग खुदाई कर रहे थे नीचे को, इसके अंदर बिल्कुल नीचे ज़मीन के अंदर ये लोग गड्ढा कर रहे हैं और नीचे को ये वेंटिलेशन टाइप का बना रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा मैं आपको कवर नहीं कर पाऊँगा, दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस तरह का वो है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ड्राइविंग पे, और इसकी वजह से वीडियो भी बहुत लेंथी हो रहा है, तो कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होते इनके पास इतना लेंथी दिखाने के। तो आगे जो भी इस तरह के कुछ मोमेंट्स होंगे वो मैं ज़रूर कवर करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इधर के बारे में कुछ सफ़र करना तो उसके बारे में आप प्लान कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्प विंडो मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ये मेरे सामने बिल्कुल मेरे राइट में ये देखिए, थोड़ा नीचे ये आर्मी का कैंप है, इन्होंने कुछ इसका वो बना रखा है, सेल्फी पॉइंट वगैरह बना हुआ है। यहाँ पे कुछ मेमोरियल्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्या ये दिखा, ये कोई मंदिर बना हुआ है, प्राचीन शिव मंदिर लिखा देखा है, प्रवेश द्वार प्राचीन शिव मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, सामने मंदिर दिखा है, यहाँ पे मेमोरियल है, ये लिखा जोजिला वार मेमोरियल, ये जोजिला वार मेमोरियल, कमाल है देखिए, बड़ा अच्छा है। यहाँ पे ठंडा पानी, बिल्कुल चील पानी चलता है, वो देखिए ये बर्फ़ का पानी, जो टॉप पे बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघल के बर्फ़ का पानी है ये। चलिए तो आगे मिलते हैं, मैं थोड़ा और कवर करके आपको दिखाऊंगा। तो हम जो जोजला का जो एक्सेस मैं आपको दिखा रहा था, ऑफ रोड ड्राइविंग का एक्सपीरियंस वगैरह का, वो एरिया वो अब हम क्लोज कर चुके, ख़त्म हो चुके हैं वो सब, वो वाला एरिया अब हम थोड़ा सा अच्छे से इलाके में आ चुके हैं। जोजला लगभग हमने क्रॉस कर लिया, ख़त्म हो गया लगभग, अब हम आगे गुमरी पहुँचने वाला है, गुमरी, हाँ, तो उसके आगे हम जाएंगे, हम पहुँचेंगे मीना मार्ग। ठीक है जी, तो ये अच्छा एक व्यू था यहाँ का, बहुत अच्छा ग्रीनरी वाला, मैं सोचा यहाँ ये वाला आपको भी एक बार दिखा दूँ, थोड़ा सा आगे और इसी व्यू को मैं आपको जारी रखूँगा थोड़ी देर के लिए, आप लोग इस ऐसी रोड की ड्राइविंग का भी इंजॉय लीजिएगा।
हाँ फ्रेंड्स, तो जब मैं जोजिला चढ़ रहा था, कुछ हम बातें कर रहे थे बीच में, तो मैंने एक एक्टिवा वाले स्कूटी वाले भाई साहब की बात कर रहा था जो मेरे पीछे पीछे चल रहा था और मैं इसके आगे था। मैंने ये बीच में जिक्र किया था कि मैं इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा हूँ कि मेरा भाई स्कूटी वाला पीछे से आ रहा है। लोग जोजिला को लेकर बहुत डरते हैं, बहुत मतलब जोजिला को लेकर इस तरह के लोगों के मन में है कि कितना खतरनाक रास्ता है, खाली हेवी गाड़ी चल सकता है या बहुत पावरफुल गाड़ी चलता है, एक्सयूवी गाड़ी चल सकता है। तो उसके बारे में मैंने बताया था, मैं भी एक बहुत छोटी गाड़ी लेके चल रहा हूँ, मारुति केटन मेरे पास है, मैं वो लेके जाता हूँ। तो मेरे से मतलब छोटा, जो मेरे गाड़ी के उस मामले में छोटा, एक स्कूटी एक्टिवा लेके मेरे एक भाई मेरे पीछे चल रहा था। तो हाँ, अभी मैं आप उनसे जोजिला पार करके हम लोग ये मीना मार्ग आ चुके हैं। वहाँ पे ये भाई रुका था, मैं भी रुका, तो मैं सोचा चलो इससे इंटरेक्शन कर लूँ, कुछ बातचीत कर लूँ इस भाई से। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? शुक्र शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? अवेश है मेरा नाम। अवेश, आप कहाँ से हो? हम जम्मू से हैं। ओ वेरी गुड यार, कहाँ जा रहे हो? आपका सफर कहाँ का? मैं करगिल में जा रहा हूँ। करगिल जा रहे हो आप क्या करते हो, क्या प्रोफेशन है आपका? हमारा काम है वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, राइस कुकर। ओ वेरी वेरी गुड, ये हम ये काम करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है यार। भाई मैं जब वहाँ से ना वीडियो बना रहा था, वो आपके बारे में मैं जिक्र कर रहा था अपने ब्लॉग में, ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ आपसे मिला, बातचीत की आपसे, है ना। आपका स्कूटी मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये भाई का एक्टिवा है, ये लेके भाई चला हुआ था। अच्छा ये बताए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ जोजिला में इस चीज़ को लेके? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुँचा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने दोस्तों को जो है जोजिला पे जो है एक्टिवा लेके सफर करने के बारे में क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्या अपनी फीलिंग्स बताने जा रहे हो? मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर जोजिला कोई भी आना चाहे, स्कूटी लेके, इंटार लेके आना चाहे, एक्टिवा गाड़ी लेके आना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ सकता है, आराम से जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। जो भी मेरा भाई आना चाहता है वो आ सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे अगर सफ़र करना, आपको खाली सुबह और शाम को बच के आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। रात को थोड़ा स्पेशली रात में इस तरह का छोटी गाड़ी वगैरह लेके स्पेशली रात में वहाँ पे सफ़र करने से अवॉइड करना चाहिए, है ना, ताकि अगर अल्लाह ना करे कुछ खराबी हो, कुछ बातचीत हो, तो कहीं से मदद भी ना मिले। इसलिए कम से कम सुबह थोड़ा सा चले तो दिन में कोई ना कोई आपकी पुकार सुनेगा, कोई ना कोई ऊपर वाला भेजेगा मदद, है ना। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखना, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये देखिए, ये जो मैं व्लॉगर्स के जो बाइकर्स के बारे में बता रहा था, ये देखिए, ये इनके काम है, ये आ गए हैं। देखिए बीच रोड में इन्होंने रोक दिया, ना इधर की गाड़ी जाएगी ना उधर की जाएगी, ये इनका देखिए, ये फिर अब मैं फिर मुझे रास्ते में ही दोबारा मिले। एक बंदे ने देखो बीच रोड में गाड़ी मोड़ के वापस कर दी इधर से, समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, ये थिंकिंग, इस तरह के काम है इनके। अब मैं बोलूँ, मैं इनके साथ वो मैं ज़्यादा वो कर नहीं सकता, उलझ नहीं सकता, क्योंकि दिस ऑल आर टोटली ना इस टाइप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं भाई। यार दोस्त एक चीज़ है यार, लेकिन आप इनके साथ हो, एक मिनट यार मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ भाई, उबैद आगे मिलते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ यार, ये पता क्या कर रहे हैं ना, आप इनके साथ में हैं, मतलब बीच में ना बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए यार, है ना। अभी बीच रोड में कस अपने गाड़ी लगा दी, कोई इधर से कोई दूर से मुड़ा, ये अच्छा है क्या गलत है ये बताइए? इनके लिए तो गलत है ही, और साथ में हमारे लिए गलत है, हम यहाँ पे चलने वाले हमारे यहाँ के लोकल के लिए। ये दो दिन एंजॉय करके चले जाएंगे यार, यहाँ को क्या देखे जाएंगे, यहाँ के एटमॉस्फेयर को क्या देखे जाएगा, कश्मीर को क्या देखे जाएगा, आप बताइए, नहीं है ना। तो ये चीज़ इनकी थिंकिंग होनी चाहिए। मैं सोच रहा था इनसे बात करूँ, बट ये इस तरह के नहीं होंगे कि इनके साथ बात करूँ तो लोग उलझ जाएंगे ये लोग हमसे। आर्मी थ्रू है, क्या कर सकते? आर्मी के थ्रू, आर्मी से नॉट यार, आर्मी थोड़ी बताता है अनडिसिप्लिन करो, वो भी तो डिसिप्लिन के बारे में बताते होंगे ना, कि नहीं है। यस, ये देखिए ये नमकीन चाय हमारी, और ये ब्रेड टोस्ट हमने ऑर्डर किया, बटर डाला हुआ ब्रेड टोस्ट है, इसका एंजॉय करते हैं। तो आप जब भी इधर से निकले, आपको दराज में कुछ स्नैक्स लाइट जैसा लेके मतलब जाने निकलना चाहिए, क्योंकि दराज से जोजिला एक्सेस वहाँ पे कई बार ट्रैफिक जाम होता। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ द्रास में आपको पहले बताया था, है क्या रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ पे चाय पीने आया था, एक हाजी साहब मुझे मिला। तो हाजी साहब का आपका इसम शरीफ? मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल का साहब, आप द्रास के ही है? द्रास का इतरी करेंगे। हाँ बहुत अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं बैठा हूँ बस, सोजी रिटर्न। हाँ यस, आप एक साथ में है ना, एक साथ में है। तो खुशी की बात ये है कि इनसे जब मुलाकात हुआ, चाय का ऑफर, ये भी चाय पी रहा था, मैं भी चाय पी रहा था, आपस में बातचीत हुआ, तो मुझे ये इन्होंने कहा कि मैं जो किसी को जानता हूँ, तो जब बातचीत करते करते मुझे निकला वो मेरे वालिद साहब थे, है ना।
कमाल है। नहीं, मेरे वालिद साहब के साथ आपने नौकरी सर्विस किया हुआ है? बहुत सर्विस किया सर। बताइए, बहुत खुशी की बात है। बताइए कहाँ से कहाँ किस्मत है जी। आज हमको यहाँ मिलना था और वालिद साहब का नाम लेना है ना। बिल्कुल, तो काफ़ी पुरानी बातें हैं ये। बहुत पुरानी सर। पुरानी सर, ये कम से कम हमारा जो है, हम रहे हैं 1968 से लेकर 84 तक। और 68 से 84 का सब प्लीज। वो जो है मेरा सीनियर जेसीओ था और मैं जो है हौलदार था आर्मी में ना, लद्दाख स्कॉट। लद्दाख स्कॉट, यस। हाँ, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब तो लद्दाख स्कॉट में नौकरी कर चुके हैं, है ना जी। हाँ, तो काफ़ी मतलब लोग जानते हैं उनको, उनके टाइम के। बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कैसे आप बता रहे थे दोबारा मेरे वालिद साहब के साथ आपने सर्विस किया? जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए एक बार फिर बताइए प्लीज़। नहीं, हम साथ रहे 1968 से लेकर 84 तक। ओके, तो बीच में एक दो तीन साल कंपनियों में जुदा होते थे, फिर हम नेक्स्ट में फिर कटे, फिर मिलते थे, फिर कटे उसी कंपनी। कहाँ पे थे आप लोग सर्विस, कहाँ पे उस टाइम थे, पोस्टिंग कहाँ पे थे आप लोग? हमारी पोस्टिंग प्रतापपुर में था। प्रतापपुर, वेरी गुड। लुकू में था। लुकू में, और जो है नेक्स्ट हम हानू में भी था। हानू, ओके। पाकिस्तान एक्सेस है ना, पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, दोनों बॉर्डर, दोनों पे। वो आपने लुकू में बताया, वो चाइना बॉर्डर पे। हाँ, लुकू चाइना, चाइना बॉर्डर। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। या अभी आप क्या कर रहे हैं ये बताइए? बस अभी बस पेंशन है, बैठे हैं घर में। सेहत के बारे में सुनाइए। बस सेहत बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा है। देखो जो आप देख रहे हैं। बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। मेरा बच्चे जो है, अभी मेरा लड़का जो है वो कंपनी में जॉब कर रहा है, प्राइवेट में। प्राइवेट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी, ग्रेजुएशन किया है, वेरी गुड। कॉलेज पढ़ रही, ओके, वेरी गुड। बाकी कुछ लड़कियां मैंने शादी करके भेजा है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब कुल मिला के लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी। और पुराने यादें देखिए, आपके दोस्त का बेटा आपको मिला, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा है ना। मैंने सोचा जैसे कि मेरा दोस्त मुझे मिल गया है। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सच में आपसे बात करके ना। तो मुझे भी ऐसा लगा कि देखिए, आपने मेरे वालिद की यादें जो है आपने बिल्कुल एकदम से है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कभी आपको मेरे लिए कुछ सेवा हो, कुछ हुक्म हो, तो ज़रूर मुझे याद कीजिएगा। इंशाल्लाह, शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ आप लंबी उम्र जिए, आप अपने परिवार के साथ खुश रहें। ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी। फ्रेंड्स, तो हम जोजला क्रॉस करके आ चुके हैं, अब हम द्रास की तरफ को है। मेरे पीछे जो रास्ता है, मैं इस पर जाऊँगा तो ये अब द्रास साइड है। ठीक है, तो मेरे पीछे आपको एक बोर्ड भी दिख रहा होगा, यहाँ पर जोजला टनल का जो काम चल रहा है वो जस्ट मेरे फ्रंट में है। तो अब मैं आप मुड़ जाता हूँ इधर को, तो आपको दिखाई देगा। ये मेरे पीछे आपने देख रहा होगा, ये आपको बजरी वगैरह का पत्थर का जो था टनलों ने, इससे हालांकि वो जो जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वो आपको दिखाई नहीं दे, इस चीज़ से ढक चुका है। तो यहाँ से जोजला जो टनल बन रहा है वो कारगिल साइड से, जो द्रास साइड से, ये पहला यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, तो चलिए, हमने कोशिश की है इस वीडियो को आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा बना दूँ, और बिल्कुल नेचुरल एक्सपीरियंस जो है, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं इसमें। ठीक है जी, कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं, इस तरह का कोई सिंपल। मैं सोचा एक बार ड्राइविंग करते हुए जोजला का जो है आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मैंने कोशिश की है इस व्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक लाने के, जो भी आप लोग मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स, जो भी आप लोग इधर का सफ़र करना चाहते हो लद्दाख का वाया जोजला, तो ये जो मैं जो कुछ टिप्स बताई, ये ज़रूर आपके काम आ सकता है। ठीक है जी, और आप लोग इसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि अभी यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को लद्दाख घूमने का मई से लेकर सितंबर का बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे पहले जोजला में तो मुझे 0 पॉइंट पर बहुत ठंडा लग रहा था, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हूँ। तो यहाँ का व्यू भी आपको देख ही रहा होगा, बहुत अच्छा है, यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छा है। तो आप प्लान कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। ठीक है जी, और इस व्लॉग में जो भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, इसमें आप लोगों को कुछ इस तरह का कोई पॉइंट लगे या कुछ और जानना चाहेंगे, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये इसके बारे में मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि जो आगे जो भी मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, जो भी वीडियो बनाऊँगा, आप जो आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा, तो उसमें हम कुछ और अच्छे से सुधार करके उसको और अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो